नमस्कार, हिन टाइम मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जिले के मौसम की जानकारी के लिए कमेंट करें। देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। खतरनाक हुआ चक्रवात मोजा, 3 दिनों का रेड अलर्ट, भीषण बारिश की चेतावनी। चक्रवात मोजा से पूर्वोत्तर भारत में आज जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन मोजा अब तेजी से बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से आज और कल नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद। IMD ने पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज हवा और भारी बारिश वाले नुकसान को लेकर के लोगों को सजग भी कर दिया है। चक्रवाती तूफान मोजा लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। 14 मई की दोपहर को इसके तट को 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करने की भी उम्मीद है। 14 मई की दोपहर के आसपास इसके एक अति प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में सीटवे म्यांमार के करीब क्योंकप्यू म्यांमार और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के कोकस बाजार के बीच तट को 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से पार करने की भी उम्मीद है। पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी असम में मोजा के असर से 14 मई को कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आसामी रात्रि के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही बारिश होने की उम्मीद है। बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर तेज आंधी के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। 14 मई के दौरान भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान में अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन इलाकों में भी अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य के भी अलग अलग इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भीषण गर्मी का सितम शुरू, दिल्ली NCR सहित 5 राज्यों में चलेंगी लू। 14 मई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में लू चल सकती है। 15 और 16 मई को बिहार, ओडिशा और गंगे पश्चिमी बंगाल तटीय आंध्र प्रदेश CNM में 14 से 16 मई के दौरान लू चलने की संभावना भी जताई गई है। 14 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।